नमस्कार मित्रों, धर्म पूजा पाठ चैनल पर आपका स्वागत है। आइए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक है, इस मुहूर्त में गलती से भी ना करें दीपावली पूजा। मित्रों, ऐसा कौन सा समय है इसमें पूजा करने से असफलता प्राप्त हो सकती है और व्यापार में नुकसान हो सकता है। इससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोगों को भी जानकारी हो और भारतवर्ष में खुशहाली नज़र आए। व्यापार में जो मंदी चल रही है इस समय वह ख़त्म हो। कई लोग तकलीफ से बच सकते हैं अगर आपने ये जानकारी लोगों तक शेयर की। आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए और कुछ पूछना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। जैसे स्क्रीन में हम दिखा रहे हैं कमेंट कैसे करना है। कई लोग पूछते हैं कमेंट कैसे करना है, तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कमेंट कैसे करना है। और जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आपने कभी सोचा है कि पूजा करने से भी लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाती हैं और व्यापार ठप हो जाता है? हम हर वर्ष पूजा करते हैं, प्रतिवर्ष पूजा करते हैं, कई लोग उन्नति प्राप्त करते हैं, लक्ष्मी उन पर खुश रहती है और व्यापार अच्छा चलता है, परंतु कई लोग पूजा करने के बाद भी दिनों दिन पीछे की तरफ चले जाते हैं। व्यापारी होकर भी कंगाल की तरह जीवन जीते हैं। उसका एकमात्र कारण लक्ष्मी पूजा में मुहूर्त का ध्यान नहीं रखना ये हो सकता है, जिसकी वजह से सेठ भी भिखारी की तरह जीवन जीता है। जल्दबाजी से लिया गया फैसला और जल्दबाजी में की गई पूजा आपको सफलता प्रदान नहीं करती, क्योंकि असमय बिना मुहूर्त में आप पूजा करते हैं तो आपको नुकसान ही होता है। उसका कारण एकमात्र ये होता है कि आप शुभ समय में कुछ मांगते हैं, आपका मांगने का तरीका इस प्रकार, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार करता है कि मेरे बच्चे को फेल मत करना भगवान, फेल मत करना, तो फेल शब्द उसके सामने पहले आ जाता है और वो जाकर फेल ही हो जाता है। तो इस प्रकार से कुछ समय में की गई पूजा आपको फलदायी नहीं हो सकती। ऐसा कौन सा समय है तो आइए जानते हैं कौन सा खराब मुहूर्त है जो आपको निराश कर सकता है। तो इसको ज्योतिषीय तरीके से देखते हैं किस ग्रह के अंतर्गत यह खराब समय चलता है। तो एकमात्र ज्योतिष के अनुसार दरिद्रता गंदगी दर्शाने वाला ग्रह शनि है और इसलिए शनि की होरा और शनि की चौघड़िया दोनों में ही पूजा नहीं करनी चाहिए, उन दोनों को टाल देना चाहिए। मित्रों, दूसरा ग्रह राहु है, हमारे लक्ष्य से जो हमें दूर ले जाता है और भटकाव पैदा करता है। मित्रों, वह खराब समय राहु का भी टाल देना चाहिए। अब राहु की ना ही तो चौघड़िया होती है ना ही होरा होती है, तो राहु की जो होता राहु काल, तो राहु काल में कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। इस वर्ष 27 अक्टूबर 2019 को शाम को 4:40 से लेकर के 6:06 तक राहु काल रहेगा और 5 बजे से लेकर 6 बजे तक 6:06 तक शनि की होरा रहेगी। तो भूल से भी 5 से 6 के बीच में पूजा न करें, इतना समय टाल देना आपके लिए बहुत ही भाग्यवर्धक रहेगा। हम आपके लिए इस प्रकार की बहुत सी रोचक जानकारियां लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप तो जानते हैं नाम के अनुसार धर्म है तो सब है। धर्म पूजा पाठ का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।